हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न क्या है गाइस? फरवरी मंथ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। जो भी फ़ोन लॉन्च होने थे वो लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अगर आपका बजट है 15,000 रुपये के अंदर, तो आपको मार्च मंथ में कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए? इसका मतलब है कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा फ़ोन है अंडर 15,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट के अंदर। गाइस, यहाँ पे बहुत ही मतलब एक यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखना और उसके अलावा जो है यहाँ पे रैंकिंग करना फोन को सबसे बड़ा टिपिकल वाला काम होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। गाइस, हमने जो इस वीडियो में ज्यादा यहाँ पे मेजोरिटी रखी है ना, वो है एक तो 5G परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो है वैल्यू फॉर मनी कौन सा फ़ोन है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है इस वीडियो के अंदर रैंकिंग की है। अगर आपको लगता है कि यार कोई भी आपको यहाँ पे चेंज करना हो कि यार 5th नंबर वाला 4th नंबर पे ना चाहिए था, 4th वाला जो है फर्स्ट पे ना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप यहाँ पे जो है एग्री नहीं करते हो इस वाली रैंकिंग को लेके। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, अगर आपको कोई भी फ़ोन परचेस करना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप जो है परचेस कर सकते हैं। आपको उतना ही अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे चैनल को बेनिफिट मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो यार, यहाँ पे टॉप 5 फोन कौन से हैं जो कि 15,000 रुपए के अंदर बेस्ट डिवाइस है। गाइस, मैंने यहाँ पे 3 डिवाइस जो हैं 5G को पिक किए हैं, और जो 2 डिवाइस हैं वो 4G को पिक किए हैं, जो कि ये सभी फोन अपने आप में एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। और इसके अलावा जो है इनके जो स्पेसिफिकेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, यूजर इंटरफेस है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और ऑलमोस्ट सभी फोन मैंने इनमें से जो है यूज किए हैं। गाइस, नंबर 5 पे रखा है मैंने रियलमी का नार्जो 50। अब उसका रीजन क्या है? देखो, नार्जो 50 नो डाउट आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला फोन बन जाता है। लगभग 13,000 रुपए का ये फोन है। सेल के अंदर आप लोगे या कोई कार्ड वगैरह डिस्काउंट लगाओगे तो आपको जो है और भी डिस्काउंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। डिजाइन यहां पे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिजाइन है इनके पुराने वाले फोन की तरह है। पंच होल स्क्रीन है, यहां पे आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा। 120Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। मतलब गाइस, डिस्प्ले एंड डिजाइन में कोई आपको जो है दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। परफॉर्मेंस में यूज किया गया है चिपसेट मिल्टेक का हेलियो G96। 5000mAh की बैटरी है, 50MP का कैमरा है, 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो गाइस, ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, और वो काफी प्यारी है। मतलब प्राइस अकॉर्डिंग 13,000 रुपए के अंदर जो है ये फोन हम बोल सकते हैं कि ये आपको रिकमेंड है। आप इसको फोन को परचेज कर सकते हो अगर आपका बजट है 15,000 रुपए के अंदर, और अगर आपको 4G फोन परचेज करना है तो एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है यहां पे रियलमी का नार्जो 50, नंबर 5 पे रखा है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो वो है Redmi का Note 11। Redmi ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है Redmi Note 11। गाइस, काफी इंटरेस्टिंग फोन है ये वाला भी। जहां अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, लुक एंड डिजाइन की बात करते हैं, तो ये है Redmi का Note 11। गाइस, लुक वाइज भी ये फोन काफी प्यारा है, एंड कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी ये फोन जो है काफी प्यारा है। एंड अगर यहां पे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, तो आपको मिलता है यहां पे सुपर एमोलेड स्क्रीन, 90Hz का पैनल आपको जो है देखने को मिलता है। मतलब 90Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। गाइस, ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब एमोलेड स्क्रीन के साथ जो है 90Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट एक इंटरेस्टिंग डिस्प्ले क्वालिटी बन जाती है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, चिपसेट आपको देखने को मिलेगा यहां पे स्नैपड्रैगन 680, जो कि एक नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला चिपसेट है। एंड 50MP का आपको यहां पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब कैमरा परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर बैटरी की बात करते हैं, 5000mAh की बैटरी है यहां पे Redmi Note 11 के अंदर, एंड 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो गाइस, अगर हम यहां पे इसके मतलब नंबर 5 वाले से कंपेयर करते हैं Realme Narzo 50 से, तो वहां पर आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है। तो AMOLED के कारण हमने जो है इसको नंबर 4 पे रखा है। क्या यहाँ पे रैंकिंग चेंज होनी चाहिए थी या फिर जो है सही है? आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस, अगर नंबर 3 ऑप्शन की बात करते हैं कि नंबर 3 पे जो है कौन सा बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है, तो गाइस ये है 5G फोन, मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो G51। गाइस, काफी इंटरेस्टिंग फोन है ये वाला। 5G डिवाइस है, काफी इंटरेस्टिंग फोन बन जाता है। सबसे बड़ा इसका जो इंटरफेस है ना, वो है स्टॉक एंड्रॉइड। तो गाइस, स्टॉक एंड्रॉइड का जो फील होता है ना, वो सभी UI से काफी डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो है स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ये भी एक यहाँ पे मेन रीजन बनता है इस फोन को परचेस करने के लिए। और अगर यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो डिजाइन भी जो है काफी प्यारा है यहाँ पे मोटो G51 का। 6.8 इंच का डिस्प्ले है, थोड़ा सा यहाँ पे हैवी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन नो डाउट गाइस यहाँ पे जो है लुक वाइज काफी प्यारा है। एंड यहाँ पे IPS पैनल आपको देखने को मिलता है। 120Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है।
परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। चिपसेट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट, जो कि 5G कैटेगरी की चिपसेट है, परफॉर्मेंस में आपको एक अच्छा प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। जो इसका बेस वेरियंट है 4GB वो आता है 15,000 रुपये के आसपास। आप चाहो तो यहाँ पे जो है 6GB भी जा सकते हो, जो कि 1000 से 1500 रुपये ऊपर है, लेकिन इसका जो बेस वेरियंट है वो आता है लगभग 15,000 रुपये के आसपास। और कोई सेल वगैरह परचेस करते हो कार्ड के डिस्काउंट के साथ में तो लगभग आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाता है, तो लगभग 14,000 रुपए के आसपास भी जो है ये फोन कभी कभी मिल जाता है। तो ये भी जो है काफी इंटरेस्टिंग फोन बन जाता है, Moto G51। और गाइस अगर नंबर सेकंड की बात करते हैं तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग फोन है, अभी रिसेंटली लॉन्च फोन है, Poco M4 Pro 5G। हालांकि जो है Poco M4 Pro का जो है 4G वाला वेरिएंट भी लॉन्च होने वाला है मार्च मंथ में, लेकिन जो Poco M4 Pro 5G वाला फोन है ना वो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। गाइस चिपसेट आपको देखने को मिलता है वहां पे MediaTek का Dimensity 810 चिपसेट, 15,000 रुपये के आसपास जो है ये चिपसेट काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको मिलती है यहाँ पे IPS पैनल 90 हर्ट्ज के साथ में। एंड डिजाइन की अगर बात करते हैं तो डिजाइन में गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये बन जाता है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन काफी प्यारे हैं। एंड बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। गाइस ये जो पैकेज है ना काफी इंटरेस्टिंग है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में ये फोन आता है। ये मैं बोलना चाहूंगा कि यार यहाँ पे आप इसको फर्स्ट नंबर पे भी रख सकते थे, लेकिन गाइस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में जो है कंफ्यूजन है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिसाइड कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला जो फोन है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, तो मैंने Poco M4 Pro 5G को जो है सेकंड नंबर पे रखा है। आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होगा या फिर जो है नहीं होगा आप मुझे कमेंट करके बताना नंबर वन लिस्ट देखने के बाद में। तो गाइस अगर नंबर वन ऑप्शन की बात करते हैं ना तो वो आता है Vivo। गाइस Vivo का नाम सुनते ही हमें जो है ऑफलाइन मार्केट वाली बातें याद आती है कि यार ऑफलाइन मार्केट में जो है Vivo प्राइस को ज्यादा रखता है, लेकिन गाइस ये है ऑनलाइन सेंट्रिक फोन जो कि है Vivo का T1। गाइस ऑनलाइन के लिए जो है इन्होंने पहला फोन वापस से लॉन्च किया है, Vivo T1, काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। मतलब वहां पे चिपसेट आपको देखने को मिलता है ना वो है स्नैपड्रैगन 695। हालांकि ये फोन जो है हल्का सा आपको 15,000 से हल्का सा ऊपर आपको खर्च करने पड़ेंगे पैसे, लेकिन गाइस ये फोन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। जहां पर अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, IPS पैनल है, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, 50 MP का आपको यहां पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस में एक अच्छा देखने को मिलता है। चिपसेट परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि दूसरे ब्रांड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग 18,000, 19,000 या फिर जो है 20,000 रुपए के आसपास प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन Vivo ने यहां पे कमाल किया है, स्नैपड्रैगन 695 को देखने को मिलता है लगभग 15,000-16,000 रुपए के आसपास। 5000 mAh की बैटरी है, नो डाउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है यहां पे IPS पैनल के साथ में, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। यहां पे बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो लगभग 7 से 8 घंटे का बैटरी परफॉर्मेंस आपको जो है इजीली प्रोवाइड कर देगा। एंड इनबॉक्स में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है। तो गाइस ओवरऑल पैकेज जो है Vivo T1 काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है, अगर आपका बजट है 15,000-16,000 रुपए के आसपास तो Vivo T1 भी जो है काफी इंटरेस्टिंग फोन बन जाता है। तो गाइस ये थे मेरे रिकमेंडेशन, जो कि टॉप 5 फोन जो है आप पिक कर सकते हो 15,000 रुपए के अंदर अगर आपको कोई फोन परचेस करना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बोलना। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या मानना है इन सभी लिस्ट के बारे में, क्या आप यहां पे एग्री करते हो इस लिस्ट को या फिर जो है नहीं करते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।